हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, जो बीटेक सेकंड सेम की मैथ्स है। एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करा रहे हैं और इसमें यूनिट 1 आपकी चल रही है। सामने बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसको कैसे करना है, इसे करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो उसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करा करिए, जिससे मेरा वीडियो भी लिस्ट में यूट्यूब में ऊपर दिखाई पड़े। थैंक यू। आइए देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव के साथ जो कुछ भी लिखा है उससे उस पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करिए, आप इसको ले लीजिए पी, इस पूरे को डीवाई बाई डी एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है, ये आपका क्या है क्यू, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका क्या है आर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसके बाद आप पुट y इज इक्वल टू यू वी, जब y इज इक्वल टू यू वी आप ले लोगे तो y की जगह तो यू वी पुट कर दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx क्या हो जाएगा, u dv by dx plus v du by dx। उसके बाद अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो क्या बन जाएगा u स्क्वायर, u स्क्वायर बोल रहे u डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस प्लस क्या बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और सेम ऐसा ही यहां पे आएगा डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, तो वो आ जाएगा टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि इन दोनों में ही प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्लस वी डी टू यू अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कहां पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, तो पुट करिए इस वाले में पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा u डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसकी जगह पे प्लस, ये तो हमने पी ले लिया पी। ठीक है, एग्जाम में आप इसको लिखिएगा कि दिस इक्वल टू पी, दिस इक्वल टू क्यू, दिस इक्वल टू आर पी। अब डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई dx प्लस ये हमारा क्या है q, y हमारा क्या है uv इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी, चाहे ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव और चाहे ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव, कोई भी इनमें से एक जो है हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। अगर हम डी टू वी बाई डी एक्स टू को ले रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा और फिर v हो जाएगा, लेकिन अगर हम डी टू यू अपॉन डी एक्स टू ले रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, और इस तरीके से आप देखो समझ में आ जाएगा डी टू
यू अपॉन डी एक्स टू और साथ में क्या है इसकी वी दिखाई पड़ रहा है। हाँ अब देखिए ये हमने ले लिया ये वाला टर्म ठीक है प्लस डी यू बाई डी एक्स। अब ये जहां जहां पे है उसके साथ जो जो टर्म है वो कॉमन ले लीजिए डी यू बाई डी एक्स तो यहां पे क्या है टू डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स कहा है यहां पे तो प्लस पी वी डी यू बाई डी एक्स तो ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया ठीक है ये यूज कर ले ये यूज कर ले यू। अब यू यू कॉमन लीजिए तो देखिए यहां क्या आ रहा है पी डी वी बाई डी एक्स और ये क्या है प्लस डी टू वी बाई डी एक्स टू ये ले लिया। अच्छा और u के साथ एक चीज और आएगी ये वाला प्लस क्यू वी इज इक्वल टू जीरो ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको अगर हमने r ले लिया है इस वाले पार्ट को तो अब तो आप r ही लिखोगे ठीक है। अब क्या करो इस v से इस पूरे को आप डिवाइड कर दो ये जो v लिखा है ना इसके साथ जो हमने यहां पे किया था x स्क्वायर से डिवाइड करा था अब इस v से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स टू अपॉन v डी वी बाई डी एक्स प्लस p डी यू बाई डी एक्स प्लस u अपॉन v p डी वी बाई डी एक्स डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस q। अच्छा अब देखिए अगर v का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो ये क्या बन जाता p अपॉन v ना v से डिवाइड कर रहे हैं बाहर तो u है v फिर यहां पे भी आपका आ जाता प्लस वन अपॉन वी फिर यहां पे केवल क्यू बचता और यहां आ जाता आर अपॉन वी ठीक है। हमने क्या किया कि इस वी से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हमें इसमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको एलिमिनेट करना होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ हमारा ये लिखा हुआ है इसको हम क्या करें जीरो के इक्वल कर ले क्या करें जीरो के इक्वल कर ले तो जीरो के इक्वल करने से पहले आप यहां तक समझ लो कि आपको समझ आ गया है कि नहीं। अच्छा एक चीज और यहां पे जब हमने डी यू बाई डी एक्स कॉमन लिया है तो यहां पे केवल पी वी आएगा डी यू बाई डी एक्स तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं ना आप लोग बताते बिल्कुल नहीं हो चुप बैठते हो केवल। अब देखिए हमें क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना होता है तो हमने टू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू हमने लिख दिया जीरो। इसको और क्या लिख सकते हो आप डी वी अपॉन वी माइनस पी अपॉन टू डी एक्स। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो ऐसे और ऐसे तो क्या मिलेगा log v इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू डी एक्स। अब देखिए अगर v इज इक्वल टू आपको निकालना है यहां से तो क्या हो जाएगा e की पावर पी अपॉन टू डी एक्स ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि v हमारा निकल गया अब इस वाली जो हमारी इक्वेशन बनी है ये वाला टर्म तो हमारा जीरो है लेकिन इसमें देखिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए डीवी बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए क्योंकि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है ठीक है। ये हमारी इक्वेशन टू है और हमारी इक्वेशन वन कौन सी थी हमारी
अब देखिए, अब अगर आपको निकालना है डीवी बाई डीएक्स तो क्या हो जाएगा, पहले तो e की पावर माइनस यही रहेगा p अपॉन टू डीएक्स, ठीक है। फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस p अपॉन टू, ठीक है। इसको और आसानी से क्या लिख सकते हो, माइनस p अपॉन टू, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। अब अगर हमें डी टू वी अपॉन डी एक्स टू चाहिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस वन अपॉन टू आप बाहर निकाल लो, पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन बाई टू पी माइनस, अब देखिए माइनस वन बाई टू और डीवी बाई डी एक्स की जगह ये लिख सकते हो, ये पहले से पी है तो पी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस, तो वन बाई फोर पी स्क्वायर ये मिल जाएगा और वी मिल जाएगा ना, पी स्क्वायर v by 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए माइनस वन बाय टू वी डी पी बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अब यहां तक समझ लीजिए, ना समझ में आ रहा हो तुरंत पूछिए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया और v मिल गया, ये सारी वैल्यू हम कहां रखेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करेंगे। देखिए इसकी जगह पे तो हम जीरो पुट कर देंगे, ये जीरो लेके ही चले थे, ये तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस यू, अंदर यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए p अपॉन v, फिर है dv बाई डी एक्स, क्या है माइनस p अपॉन टू इंटू वी, माइनस p अपॉन v नहीं p अपॉन टू इंटू वी, ठीक है। इसके बाद यहां पे आ जाइए प्लस वन अपॉन वी, अब डी टू वी बाई डी एक्स टू की वैल्यू ये सारी है, ये सारी पुट करिए, वन अपॉन फोर पी स्क्वायर वी माइनस वन अपॉन टू वी डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, ये रख दी। प्लस क्यू है तो Q की जगह तो Q ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, R अपॉन V, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, U माइनस V से V कट गया, P स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये ब्रैकेट ये q, हाँ इसी के साथ है, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे v से v कट गया प्लस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर, फिर v से v कट गया माइनस वन अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स प्लस q इज इक्वल टू आर अपॉन वी, फिर से मैच करिए, हर एक लाइन मैच करिए, क्योंकि अब देखिए माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर और पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू और पी स्क्वायर अपॉन फोर यहां लिखा, इसको सॉल्व किया, फोर एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर, फिर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स,
प्लस क्यू आर अपॉन वी। अब हमने क्या किया, इसको ले लिया क्यू वन, इसको ले लिया आर वन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बड़े में कर दिया तो क्लियरिटी है। Q1 हमारा ये था, ये हमने लिख दिया, P हमारा ये था, अब dP by dx हमने ये निकाल लिया तो 2 upon x square हो गया। इसके बाद इसको वैल्यू पुट कर दी dP upon dx की 2 upon x square, ठीक है। इसके बाद Q की वैल्यू हमारी क्या थी, देखिए Q की वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखी हुई है। डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर जो यहाँ निकाली है। फिर पी स्क्वायर तो माइनस 1 बाई 4 लिख दिया पी स्क्वायर, पी हमारा ये था, इसको जब डिवाइड करोगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस 2, माइनस 2 1 प्लस इतने का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई 4 बाहर लिखा है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आ गया 1 से 1, ये 4 से 4 कट जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स कैंसिल आउट। अब ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये भी 0 हो गया और आर 1 भी 0, तो बचा क्या, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब करना क्या होता है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, हम तो इसको रब कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी करना है, ठीक है, आगे भी करना है हमको, तो हम इसको रब करना है। अब देखिए जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वन, ये मिल जाएगा। अब करना क्या है, ये मिल गया यहां तक, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई, अब आगे क्या करना है, पहले आप यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, केवल एक लाइन बची हुई है, वो हमको लास्ट लाइन बतानी है। चलिए हम बता ही देते हैं, जो हमने यहां पे लिया था y इज इक्वल टू यू वी, तो u की जगह वैल्यू पुट करिए सी एक्स प्लस सी वन, वी हमारा क्या है, v हमारा यहां से देखिए ये था v, ठीक है, ये v था, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं, v था हमारा e की पावर माइनस p अपॉन 2 dx। अब इस v को आप और कैसे लिख सकते हो, माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लीजिए वैल्यू, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन x, माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स और प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स, अब प्लस में है यहां पे, इंटू ई की पावर लॉग एक्स। अब आपको पता है e और log जब इस तरीके से लिखे होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता केवल x है, तो e की पावर x इंटू एक्स, तो v मिल गया x इंटू e की पावर x, तो वही वैल्यू v की हम यहां पुट कर देंगे, x e की पावर x। इसको थोड़ा सा आप सही से लिखना चाहते हैं तो आप x कॉमन लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू, यही हमारी इसकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म। तो इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा,
ये आपने आज देखा और आपने खुद भी देखा होगा कि कई बार ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करिएगा आप लोग ना, प्लस माइनस का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या होगा, एक गलती हो जाएगी, आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।